आपका अपने चैनल राजस्थान जी के 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बताया था। उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो हरिश्चंद्र के पश्चात जो गुर्जर प्रतिहार वंश के अगले शासक थे उनका नाम था रजिल। अपन चर्चा किसकी करेंगे? रजिल की। रजिल के द्वारा क्या किया गया? तो जो रजिल है इनके द्वारा मंडोर को अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बनाया गया। मैंने बताया आपको इस रजिल के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था नरहरी। ब्राह्मण द्वारा इसको नरहरी ब्राह्मण द्वारा इसको राजा कहा गया। मैंने आपको बताया इसके द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया नरहरी ब्राह्मण के द्वारा इसी रजिल को राजा कहा गया। उसके अलावा ये जो रजिल था इसके द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया। मैंने तीन बातें बताया आपको रजिल के बारे में। मैंने आपको बताया रजिल के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया, नरहरि ब्राह्मण के द्वारा इसी रजिल को राजा कहा गया, उसके अलावा रजिल के द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया था। ये बात बताई मैंने आपको। उसके पश्चात अपन गुज्जर प्रतिहार वंश के अगले शासक की बात करेंगे और उनका नाम है नरभट्ट की बात करें अगर अपन तो आपको पता होगा जो हेनसांग है वो सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो हेनसांग के द्वारा क्या कहा गया? हेनसांग द्वारा इसको किसको? नरभट्ट को। हेनसांग के द्वारा नरभट्ट को पहली या फिर पहला पहली कहा गया। मैंने आपको बताया नरभट्ट के बारे में आपको बताया हेनसांग के द्वारा इसको पहला पहली या फिर पहलो पहली कहा गया। अपन ने अभी तक गुज्जर प्रतिहार वंश के दो शासकों के बारे में बात की है। मैंने आपको बताया रजिल के बारे में, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया रजिल के द्वारा, उसके अलावा नरहरि ब्राह्मण के द्वारा इसको राजा कहा गया रजिल को, और रजिल के द्वारा राजसूय यज्ञ भी करवाया गया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें गुज्जर प्रतिहार वंश के अगले शासक नरभट्ट की तो हेनसांग के द्वारा इसको पहला पहली या फिर पहलो पहली कहा गया। इसके पश्चात जो अगले गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक है उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। उनकी चर्चा करेंगे अपन नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम को नारायण की मूर्ति का प्रतीक, क्या बताया मैंने आपको? ये जो नागभट्ट प्रथम है इनको नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना गया है या बताया गया है माना गया है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो नागभट्ट प्रथम है इनको नागावलोक इनको
नागाव लोक, इनको नागाव लोक तथा इनके दरबार को, इनके दरबार को नागाव लोकों, नागाव लोकों, नागाव लोकों का दरबार कहा गया है। मैंने आपको बताया नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना गया है इस नागभट प्रथम को, उसके अलावा इनको नागाव लोक तथा इनके दरबार को नागाव लोकों का दरबार भी कहा गया है। इसी नागभट प्रथम को मलेच्छों का, मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक भी इसी नागभट फर्स्ट को कहा गया है, मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है, कहा गया है। मैंने अभी तक आपको बताया यह जो नागभट फर्स्ट है इसको मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। अगर इसकी उपाधि की बात करें तो नाहड़ भी इसकी उपाधि है, नाहड़ भी इन्हीं की उपाधि है, नाहड़ भी इन्हीं की उपाधि है। बात करें अपन ये जो नागभट प्रथम था इसके द्वारा भीनमाल आपको पता है राजस्थान के जालोर जिले में है, जालोर भीनमाल जालोर इसको बनाया इसने अपनी राजधानी, राजधानी मैंने बताया भीनमाल जालोर को राजधानी बनाया गया नागभट फर्स्ट के द्वारा, मतलब भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक भी था, ये शाखा की बात करें अपन शाखा का संस्थापक। मैंने आपको बताया नागभट प्रथम के बारे में का जो भीनमाल जालोर है इसका ये जो राजधानी बनाई थी ये इसी नागभट फर्स्ट के द्वारा बनाई गई, और भीनमाल जालोर जो प्रतियार वंश की एक शाखा है इसका भी ये संस्थापक था, कौन? नागभट प्रथम। और अगर इसकी अन्य राजधानियों की बात करें अपन, अगर अन्य राजधानियां, अन्य राजधानी की बात करें अगर अपन, तो इनके अन्य राजधानियों में जैसे कि बात करें अपन मंडोर की बात बताऊं मैं आपको, उसके अलावा अगर अपन बात करें उज्जैन, इसकी अन्य राजधानियां थी। तो मैंने आपको नागभट प्रथम के बारे में बताया, इनको नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना गया है, उसके अलावा इनको नागाव लोक तथा इनके दरबार को नागाव लोकों का दरबार भी कहा गया है। ये जो नागभट फर्स्ट थे इनको मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है, उसके अलावा नाहड़ भी वैसे नागभट फर्स्ट की एक उपाधि है। और इनकी राजधानी की बात करें अगर, तो भीनमाल जालोर को इसने अपनी राजधानी बनाया तथा इस भीनमाल जालोर शाखा का ये संस्थापक भी था, कौन? नागभट फर्स्ट। और इसकी अन्य राजधानियों की बात करें तो मंडोर को भी इसने अपनी राजधानी बनाया, उसके अलावा उज्जैन को भी अपनी राजधानी इस नागभट फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन, जो नागभट फर्स्ट थे इन नागभट प्रथम के संतान नहीं होने पर, इनके संतान नहीं थी, मतलब संतान नहीं होने पर क्या किया गया, जो नागभट प्रथम थे इनके संतान नहीं होने पर इन्होंने क्या किया, उज्जैन में क्या किया, हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया, हिरण्य गर्भधान नामक
यज्ञ करवाया, मैंने आपको बताया करवाया, मैंने आपको बताया इस नागभट प्रथम के संतान नहीं होने पर इसने क्या किया, उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूंगा उसको आप समझने का प्रयास करना। तो अगर अपन बात करें राष्ट्रकूटों की, राष्ट्रकूटों की बात करें अगर अपन राष्ट्रकूटों की, तो इस नागभट प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनका नाम था दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग। मैंने आपको बताया नागभट प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासक थे दंतीदुर्ग, ये बताया मैंने आपको। और दंतीदुर्ग के एक पुत्री बताई मैंने आपको, और पुत्री की अगर अपन बात करें तो पुत्री का नाम था भूमिका देवी, भूमिका देवी। अभी तक मैंने आपको बताया गुजर प्रतिहार वंश के जो शासक थे इस समय नागभट फर्स्ट, इनके कोई संतान नहीं थी, इसी कारण इन्होंने क्या किया, उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया। और इस नागभट प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासक थे दंतीदुर्ग, और इसने नागभट प्रथम ने किया क्या, इस राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को इस उज्जैन में जो ये हिरण्य गर्भधान यज्ञ किया था इसमें आने के लिए क्या किया, इनवाइट किया, मतलब आमंत्रण दिया। किसने, नागभट फर्स्ट ने आमंत्रण दिया। मैंने अभी तक आपको बताया इस नागभट प्रथम के द्वारा जो उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया गया था इसमें राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को आमंत्रण दिया। तो ये राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग अपनी पुत्री भूमिका देवी के साथ इस यज्ञ में आया था, लेकिन क्या हुआ, इस यज्ञ के दौरान भी इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, इसी कारण इसने क्या किया, इस नागभट प्रथम का एक भतीजा था, भतीजा, और उस भतीजे का नाम था कुक, या फिर उसको बोल सकता हूं मैं कक्कुक, कक्कुक। मैंने आपको बताया ये नागभट प्रथम को जब इस हिरण्य गर्भधान यज्ञ के दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तब ये अपने भतीजे कुक या फिर कक्कुक को अपना क्या करता है, उत्तराधिकारी बनाता है। अपना क्या बनाता है, उत्तराधिकारी। अपना क्या बनाता है, उत्तराधिकारी। मैंने अभी तक आपको बताया, इस नागभट फर्स्ट के द्वारा हिरण्य गर्भधान मतलब हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया गया पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, लेकिन जब यज्ञ के दौरान इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो इसी के भतीजे कुक या फिर कक्कुक को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग भी इस उज्जैन वाले हिरण्य गर्भधान यज्ञ में आया था, मतलब पधारा था। तो इस कक्कुक या फिर कुक या फिर मैं कह सकता हूं कक्कुक, इन कक्कुक और जो भूमिका देवी है इन दोनों की क्या मिल जाती है, आंखें। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, ऐसी जुल्फे सुलझाई इन्होंने का इस कक्कुक या फिर कुक का जो विवाह था ये भूमिका देवी के साथ करवा दिया, विवाह। मैंने क्या बताया आपको, नागभट प्रथम को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तो ये अपने भतीजे कुक या फिर कक्कुक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। और जब इस उज्जैन के हिरण्य गर्भधान यज्ञ में दंतीदुर्ग अपनी पुत्री भूमिका देवी के साथ आता है तो कुक या फिर कक्कुक और भूमिका देवी है इन दोनों की आंखें मिल जाती है और दोनों का क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। फिर आगे क्या होता है, इस कुक या फिर कक्कुक के द्वारा मंडोर में, किसका निर्माण करवाया गया, विजय स्तंभ का। तो आपको यह मामला समझने में आ गया होगा। मैंने आपको बताया नागभट प्रथम के द्वारा जब उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया गया था तब भी इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, फिर इसने क्या किया, अपने भतीजे कुक या फिर कक्कुक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, फिर कक्कुक या फिर भूमिका कक्कुक या फिर कुक और भूमिका देवी का विवाह हो जाता है।
कुक के द्वारा मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। आगे गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है उनका नाम है वत्सराज प्रतिहार। अगले जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक है उनका नाम है वत्सराज प्रतिहार। मैंने बताया आपको अगले गुज्जर प्रतिहार राजवंश के शासक बताए वत्सराज प्रतिहार। तो इनकी अगर उपाधि की बात करें, अगर अपन उपाधि तो इनको इनकी उपाधियों की बात करें तो इनको जयवराह एक तो उपाधि मिलती है अपन को इनकी जयवराह। उसके अलावा अगर अपन बात करें इनकी उपाधि की तो इनको रणहस्तिन भी कहा गया है। रणहस्तिन इनको क्या बोला गया है? रणहस्तिन बोला गया है। मतलब रणहस्तिन का मतलब क्या होता है? युद्ध के मैदान में हाथी के समान। क्या बताया मैंने आपको इस वत्सराज प्रतिहार की उपाधियां बताई? एक तो बताया मैंने आपको जयवरा, उसके अलावा रणहस्तिन भी इसके एक उपाधि है। और रणहस्तिन का अर्थ होता है युद्ध के मैदान में हाथी के समान। अब बात करें अपन वत्सराज प्रतिहार की, तो मैंने प्रतिहार वंश के राजा बताया आपको वत्सराज प्रतिहार और इनके समकालीन जो कन्नौज के शासक का नाम था इंद्रायुध। क्या बताया मैंने आपको? इंद्रायुध। मैंने आपको गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक बताए वत्सराज प्रतिहार, कन्नौज के शासक बताए इंद्रायुध। अगर इधर पाल वंश की बात करें अपन बंगाल में पाल वंश की, तो पाल वंश के जो शासक थे उनका नाम था धर्मपाल। और इधर दक्षिण भारत वाले रीजन की बात करें तो राष्ट्रकूटों के जो शासक थे राष्ट्रकूट शासक थे इस समय ध्रुवपंश। अभी तक मैंने आपको चार स्थितियां बताई। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक बताए मैंने आपको वत्सराज प्रतिहार, कन्नौज के शासक बताए मैंने आपको इंद्रायुध, और इधर पाल वंश के शासक बताए मैंने आपको धर्मपाल। तो होता क्या है, अब सुनो आप। इस वत्सराज प्रतिहार के द्वारा इस इंद्रायुध के ऊपर अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। किसके ऊपर? इंद्रायुध के ऊपर। किसके द्वारा? वत्सराज प्रतिहार के द्वारा, क्योंकि ये वत्सराज प्रतिहार कन्नौज पे अपना अधिकार करना चाहते थे। लेकिन होता क्या है, इस युद्ध में इस वत्सराज प्रतिहार को मैंने आपको बताया, इस वत्सराज प्रतिहार को इस युद्ध में क्या मिली? जीत मिली। मैंने बताया आपको गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज प्रतिहार के द्वारा इस कन्नौज के शासक इंद्रायुध के ऊपर अटैक किया जाता है, और इस युद्ध में इंद्रायुध की क्या होती है? हार। और वत्सराज प्रतिहार ये विजयी रहते हैं। आगे की बात बताऊं मैं आपको, जब ये इंद्रायुध पराजित हो जाता है तो ये सहायता के लिए कहां पे जाता है? इस धर्मपाल के पास में जाता है, और धर्मपाल के द्वारा इस वत्सराज प्रतिहार के ऊपर अटैक किया जाता है। और इस युद्ध में भी इस पाल वंश के राजा धर्मपाल को हार का सामना करना पड़ा, और प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज प्रतिहार ये विजयी रहे। फिर इनकी ये जो रामलीला थी, इस रामलीला को ये कौन देख रहा था? राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव फर्स्ट के द्वारा ये सोचा गया कि इनको आपस में लड़के इनका मामला सलटाने दो, फिर अपन लास्ट में जो आक्रमण करेंगे वो वत्सराज प्रतिहार के ऊपर करेंगे। तो मैंने आपको अभी तक बताया इस वत्सराज प्रतिहार के द्वारा कन्नौज के शासक इंद्रायुध के ऊपर अटैक किया गया, और इस इंद्रायुध की होती है इस युद्ध में हार।
फिर हार के पश्चात ये इंद्रा जी यहाँ से रवाना हुआ और बंगाल में जो पाल वंश था इसके शासक धर्मपाल के पास में गए हैं और इस धर्मपाल के द्वारा भी इस वस्त्रराज प्रतिहार के ऊपर अटैक किया गया। लेकिन इस युद्ध में भी धर्मपाल की होती है हार और वस्त्रराज प्रतिहार इस युद्ध में विजयी रहते हैं। फिर क्या होता है, इस धुर्व फर्स्ट के द्वारा जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश था, इस राष्ट्रकूट राजवंश के धुर्व फर्स्ट के द्वारा इस वस्त्रराज प्रतिहार के ऊपर आक्रमण किया गया और इस युद्ध में धुर्व फर्स्ट विजयी रहता है। इस युद्ध में धुर्व फर्स्ट विजयी रहता है और गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वस्त्रराज प्रतिहार को हार का सामना करना पड़ा। और अगर अपन बात करें वस्त्रराज प्रतिहार के समय की, तो वली प्रबंध लेख की रचना रचना इन्हीं के समय की गई मैंने आपको बताया वस्त्रराज प्रतिहार के बारे में, तो वस्त्रराज प्रतिहार की दो उपाधियां बताई मैंने आपको, जयगरा तथा रणस्थिल, मतलब युद्ध के मैदान में हाथी के समान इस वस्त्रराज प्रतिहार को बताया गया है। वस्त्रराज प्रतिहार के द्वारा कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध के ऊपर अटैक किया जाता है और इस युद्ध में वस्त्रराज प्रतिहार विजयी रहते हैं। फिर धर्मपाल के द्वारा भी इस वस्त्रराज प्रतिहार के ऊपर अटैक किया गया और इस युद्ध में भी वस्त्रराज प्रतिहार विजयी रहते हैं। लेकिन राष्ट्रकूट जो शासक था धुर्व फर्स्ट, इसके द्वारा इस वस्त्रराज प्रतिहार के ऊपर अटैक किया जाता है और ये वस्त्रराज प्रतिहार इस युद्ध में डिफीट हो जाता है, मतलब पराजित हो जाता है। ये बात बताई मैंने। उसके अलावा मैंने आपको बताया वली प्रबंध लेख की रचना भी इन्हीं वस्त्रराज प्रतिहार के समय में की गई थी। और अगर अपन बात करें, आपको पता होगा कुवल यमाला, उसके अलावा आपने सुना होगा हरिवंश पुराण। देखे बताओ आप, वस्त्रराज प्रतिहार के समय की बात कर रहे हैं अपन, कोले वाला के लेखक कौन थे, तो कोले वाला के लेखक उद्योतन सूरी थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें हरिवंश पुराण के जो रचयिता थे, जिनसेन सूरी थे। मैंने आपको बताया इस वस्त्रराज प्रतिहार के बारे में वली प्रबंध लेख की रचना भी इन्हीं वस्त्रराज प्रतिहार के समय में की गई थी। उसके अलावा कुवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरी और हरिवंश पुराण के लेखक जिनसेन सूरी भी इसी वस्त्रराज प्रतिहार के दरबार में थे, ये बात बताई मैंने आपको। अगले शासक की बात करें अपन, तो उनका नाम है नागभट्ट सेकंड। तो इसके अगर उपाधि की बात करें अगर अपन उपाधि, तो इसको बोला जा सकता है परमेश्वर, परम भट्टारक। मैंने आपको इनकी उपाधियों के बारे में बताया, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराजा धीराज, मैंने आपको बताया इनकी उपाधियों के बारे में, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। उसके अलावा अगर अपन बात करें इस नागभट्ट के बारे में, तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसको किसको नागभट्ट को कर्ण कहा गया।
मैंने आपको बताया नागमणदित्य के बारे में, उपाधियां बताई इसकी, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज और मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसको कर्ण कहा गया है नागमणदित्य को। इसके समय अपन कौन सी घटना हुई उसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रतिहार वंश के राजा नागवट सेकंड बताए, और अगर अपन कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के जो शासक थे उनका नाम था चक्रायुध। मैंने आपको बताया गुजर प्रतिहार वंश के शासक बताए मैंने आपको नागभट सेकंड, कन्नौज के शासक बताए मैंने आपको चक्रायुध। अगर इधर पाल वंश के शासक की बात करें अगर अपन पाल वंश के शासक, तो पाल वंश के जो शासक थे बंगाल के उनका नाम था धर्मपाल। और इधर राष्ट्रकूट शासक की बात करें अगर अपन राष्ट्रकूट शासक तो उसका नाम था गोविंद थर्ड। मैंने आपको बताया नागभट्ट सेकंड की मैंने आपको उपाधियां बताई कई को, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज तथा मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इनको कर्ण कहा गया है। अब नागभट्ट सेकंड के समय की बात करें अगर अपन, तो कन्नौज के समकालीन शासक थे चक्रायुध, राष्ट्रकूट शासक थे उस समय गोविंद थर्ड, और पाल वंश के शासक थे राजा धर्मपाल। ये पाल वंश कहां पे था? बंगाल में। ये बातें बताई मैंने आपको। तो होता क्या है, अब सुनो आप, इस गोविंद थर्ड के द्वारा कन्नौज के शासक चक्रायुध के ऊपर क्या किया जाता है, आक्रमण। और आक्रमण में ये जो गोविंद थर्ड है, जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण में गोविंद थर्ड को जीत मिली और इस चक्रायुध को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। किसको? चक्रायुध को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन होता क्या है, कुछ समय तक यहाँ कन्नौज में रहने के पश्चात ये चक्रायुध वापस अपने साम्राज्य की देखरेख के लिए कहां पे आ गया, राष्ट्रकूट का जो शासन था दक्षिण भारत में वहां पे अपने ये साम्राज्य को देखने के लिए आ गया। फिर क्या हुआ आगे वो सुनो आप। मैंने अभी तक आपको बताया ये जो राष्ट्रकूट शासक है गोविंद थर्ड, इस गोविंद थर्ड के द्वारा चक्रायुध के ऊपर आक्रमण किया गया और इस युद्ध में चक्रायुध पराजित हो जाता है और ये गोविंद विजयी रहता है। लेकिन ये अपने साम्राज्य की देखभाल करने के लिए वापस दक्षिण भारत आ गया। और पीछे से क्या होता है, इस नागभट्ट सेकंड के द्वारा इस चक्रायुध के ऊपर अटैक किया जाता है और इस युद्ध में भी इस चक्रायुध को हार का सामना करना पड़ता है। किसका? हार का सामना। उसके अलावा फिर जब ये जो चक्रायुध के ऊपर अटैक करता है कौन, नागभट्ट, तो ये चक्रायुध सहायता के लिए किसके पास जाता है, धर्मपाल के पास सहायता के लिए जाता है। फिर होता क्या है, इस धर्मपाल के ऊपर भी इसी नागभट्ट सेकंड के द्वारा आक्रमण किया जाता है। किसके ऊपर? धर्मपाल के ऊपर। और इस युद्ध में भी इसको जीत मिली। मैंने क्या बताया आपको, इस नागभट्ट सेकंड के द्वारा इस चक्रायुध को भी डिफीट किया गया। फिर सहायता के लिए जब धर्मपाल के पास गया चक्रायुध, और धर्मपाल के द्वारा भी इस नागभट्ट सेकंड के ऊपर अटैक किया गया, तो उस युद्ध में भी ये नागभट्ट सेकंड विजयी रहता है। ये थी नागभट्ट सेकंड के बारे में कुछ जानकारी। अगर अपन इनके दरबारी की बात करें तो इनके जो दरबारी थे चंद्र प्रभ सूरी। इनके दरबारी की बात करें तो दरबारी का नाम बताया मैंने आपको चंद्र प्रभ सूरी, और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसकी बात करें अगर अपन, तो प्रभावक चरित्र ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया। क्या बताया मैंने, प्रभावक चरित्र ये इसी चंद्रप्रभ सूरी द्वारा ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ में जो ये नागभट्ट द्वितीय है इसको एक उपाधि दी, उपाधि क्या, इस प्रभावक चरित्र में ये बताया गया है कि इसके द्वारा नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जल समाधि ली गई। जल समाधि ली गई।
तो अगर आपसे पूछे गुर्जर प्रत्यार वंश के ऐसे शासक जिनके द्वारा जल समाधि ली गई थी, तो उनका नाम है नागभट्ट सेकंड। मैंने आपको बताया इनके दरबारी चंद्र प्रभसूरी और इनका ग्रंथ है प्रभावक चरित्र। और इस प्रभावक चरित्र में यह बताया गया है कि ये जो नागभट्ट सेकंड है इसके द्वारा जल समाधि ली गई थी। इसके पश्चात अगले जो गुर्जर प्रत्यार वंश के राजा है उनका नाम है रामभद्र, लेकिन रामभद्र की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।